युद्ध देश भर के पांच राज्यों में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबके निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तो ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें बिहार के राजनीतिक दलों की, तो बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाई जाने लगी है, लगातार तैयारियां हो रही है। और इसी कड़ी में अगर सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो जेडीयू का है। जी हाँ, जेडीयू ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी है कि 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी किस्मत आजमाएगी और ऐसे में पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। खुद इन तमाम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। और क्या कुछ कहा है, क्या प्लानिंग है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, आपको बताते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। इसी क्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने घोषणा कर दी है कि जेडीयू यूपी विधानसभा के चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आरसीपी सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन हम इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे ये बात तो तय है। बताते चले कि वर्ष 2022 की शुरुआत में देश के पांच राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। जेडीयू की बात करें तो 200 सीटों पर लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी। हमने उनसे मिले फीडबैक के आधार पर इस बार मन बनाया है कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली में इस बात को लेकर पार्टी के नेताओं में बातचीत जारी है। बहरहाल जेडीयू ने यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन जेडीयू उत्तर प्रदेश में अकेली चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी पत्ता साफ नहीं किया गया है। इस सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि पहले वो अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करेंगे, फिर गठबंधन की बातचीत करेंगे। फिलहाल जेडीयू एनडीए का पार्ट है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के सहयोगी के रूप में 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। यूपी में अभी तय नहीं हुआ कि जेडीयू किसके साथ चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से पूरी रणनीति बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, और वो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इस बात को लेकर साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 200 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी किस्मत आजमाएगी और साथ ही साथ वहां पर वो गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं, इस बात को लेकर अभी पत्ता साफ नहीं किया गया है। हालांकि जब दिन नजदीक आएंगे तो इस बात को लेकर पुष्टि कर दी जाएगी कि जेडीयू आखिर वहां पर अकेली ही रणभूमि में उतरेगी या फिर किसी गठबंधन के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।